इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कैथल में कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हूटिंग को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संदेश भिजवाया गया है कि अगर केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का राजनीतिकरण होता है तो मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से बचना चाहिए। हुड्डा ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि अगर उनके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वो मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। हुड्डा के खिलाफ हूटिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी बताया कि सोलापुर में उनके साथ भी हूटिंग हुई थी। कल नागपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। चव्हाण ने बताया कि उन्हें भी इस कार्यक्रम में न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अभी कार्यक्रम में जाने का फैसला नहीं किया है। तो हम आपको बता दें कि सीधे तौर पर कैथल में, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन करना था। उसी मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी पहुंचे थे और वहां पर अचानक से हूटिंग शुरू हो गई, जिसको लेकर खासे नाराज हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रोटोकॉल के तहत और एक मर्यादा के तहत वहां पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा अगर इस तरह की हरकत हुई, अगर दोबारा इस तरह की बात हुई तो वो मंच साझा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और इस बात को मुखरता से बोलते हुए जब उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही, उसके बाद अब जो खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से, आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया है कांग्रेस शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री का स्वागत तो करें, लेकिन उनके साथ मंच साझा ना करें। अगर उनके साथ ऐसा दोबारा होता है तो, अगर इस तरह की बात होती है कि राजनीतिकरण अगर पूरे मामले का होता है तो ऐसा ना हो। और हमारे साथ कुमार विक्रांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए, जब कल हुड्डा के साथ जो भी वहां पर घटना घटी है, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस आलाकमान का ये मानना है कि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री, दोनों ने प्रोटोकॉल निभाया, मर्यादा निभाई प्रजातंत्र की और दोनों ही मोदी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन हुड्डा के साथ जो हुआ उसके बाद हुड्डा ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद जो पृथ्वीराज चव्हाण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका भी कहना है कि उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने एक संदेश दिया है सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को कि अगर कार्यक्रम का राजनीतिकरण होता है सरकारी कार्यक्रम का, तो आप ऐसे कार्यक्रमों में ना जाएं, मंच साझा ना करें, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन प्रधानमंत्री की ओर से हुआ है। इसलिए आप आने वाले वक्त में इस बात का खास ख्याल रखें। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्दी ही कांग्रेस के नेता इस बाबत ऐसे बयान भी देंगे कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही नहीं, जैसा कि हुड्डा के साथ हुआ, जैसा कि पृथ्वीराज चव्हाण के साथ हुआ, ऐसे में बाकी जो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस इस मामले में, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हुड्डा कह रहे हैं कि उनके साथ हुआ है, तो उसके बाद कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि ऐसे में एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा, इसी बीच में ये भी खबर आई कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद लोकसभा में नहीं मिलेगा, तो ये भी एक परेशानी का सबब है कांग्रेस पार्टी के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत, तमाम जानकारी के लिए।